नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे हैं मुक्त व्यापार बनाम कोई व्यापार नहीं, यानी कि फ्री ट्रेड वर्सेज नो ट्रेड। मुक्त व्यापार एक ऐसी व्यापार स्थिति है जिसमें व्यापार पर कोई शुल्क या कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। कुछ मान्यताएँ हैं, ऐसी स्थिति में कारक और उत्पाद की घरेलू कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ बराबर करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि वस्तु और साधनों की कीमतें जो हैं, अगर फ्री व्यापार है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सभी में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रस्ताव ये मानना कि मुक्त व्यापार कोई व्यापार नहीं से बेहतर स्थिति को प्रस्तावित करता है, ये प्रस्ताव निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर सही साबित होता है। पहली मान्यता है, बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। सरकार टैरिफ, कोटा, सब्सिडी के माध्यम से व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करे। दिए गए देश के पास व्यापार में एकाधिकार की शक्ति नहीं हो, मोनोपोली पावर्स नहीं हो। उत्पादन के कारकों की आपूर्ति स्थिर रहे, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं हो। उत्पादन की तकनीक इस प्रकार की हो कि उत्पादन का संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल या नतोदर हो। देश छोटा हो, यानी कि जो देश की आकृति है वो स्मॉल हो, दूसरा देश है उनसे कंपैरेटिवली छोटा हो। परिवहन लागतें अनुपस्थित रहें। तो ऊपर दी गई मान्यताओं के आधार पर यह दिखाना संभव होता है कि मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अटॉर्की या बिना व्यापार की स्थिति से बेहतर होता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए जगदीश भगति द्वारा दिए गए रेखाचित्र का प्रयोग किया जा सकता है। सामने आप रेखाचित्र देख रहे हैं, ये जगदीश भगवती नाम के भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया है। तो इसमें एक्स कमोडिटी को एक्स एक्स पर मापा गया है, वाई कमोडिटी को वाई एक्स पर मापा गया है। ए बी देश का जो है उत्पादन संभावना वक्र है, और व्यापार की अनुपस्थिति में घरेलू मूल्य अनुपात रेखा डी डी द्वारा दी गई है। डी डी आप देखें, डी डी द्वारा, और संतुलन बिंदु है सी बिंदु पर, क्योंकि वहाँ फुल एफिशिएंसी में काम नहीं कर रही होती है कोई भी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं, और उपभोग का संतुलन भी सी बिंदु पर आई वन के रूप में स्पर्श रेखा के रूप में दिया गया है। तो सी उत्पादन और खपत का संतुलन बिंदु है, यहाँ पे दोनों स्थितियाँ मिल रही हैं। जैसा ही व्यापार शुरू होता है और व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो चूँकि डी डी और ई ई जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ई ई जो है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय रेखा है, वो इसके उत्पादन संभावना वक्र को आर बिंदु पे स्पर्श करती है, और वहाँ वो अनुकूलतम उत्पादन कर रहा होता है अपनी क्षमता के अनुरूप, और सी वन बिंदु जो कि आई टू पर स्थापित है, यानी कि ऊंचे सामुदायिक उदासीनता वक्र पर स्थित है, वहाँ वो उपभोग कर रहा होता है। तो इस स्थिति में वो उत्पादन भी उसका अनुकूलतम हो गया और उपभोग वो पहले की तुलना में अधिक अच्छा मात्रा में कर पा रहा है, तो उसका संतुष्टि का स्तर भी बढ़ गया। तो इस तरह से बिना व्यापार की स्थिति व्यापार की स्थिति के साथ फ्री व्यापार की स्थिति में ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि जो फ्री व्यापार की स्थिति है वो बिना व्यापार की स्थिति की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। तो ये आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुपात ई ई रेखा के ढलान द्वारा दिया गया है, जो कि डी डी के समानांतर चलता है। लाइन ई ई खपत समान वक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस देश में नई उपलब्धता सीमा निर्धारित करता है ये देश की। बिंदु आर जहाँ खपत संभावना वक्र उत्पादन संभावना वक्र के लिए स्पर्श रेखा है, सबसे कुशल उत्पादन का बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पहले वो काट रही थी उत्पादन संभावना वक्र को, अब वो स्पर्श बिंदु के रूप में निकल रहा है। तो वहाँ जो उत्पादन संभावना वक्र को जो बिंदु स्पर्श रेखा वाला होता है, वहाँ उसका अनुकूलतम उत्पादन हो रहा होता है। दूसरी ओर उपभोग भी सी वन बिंदु पर निर्धारित किया जाता है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुपात रेखा ई ई उच्च सामुदायिक उदासीनता वक्र आई टू को स्पर्श कर रही है, जैसा मैंने पहले बताया। चूंकि मुक्त व्यापार के बाद उत्पादन आर पर अनुकूलतम और खपत सी वन पर अनुकूलतम है, इस प्रकार मुक्त व्यापार निश्चित रूप से बिना व्यापार की स्थिति से बेहतरीन है, बहुत अच्छी स्थिति है। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार से स्थैतिक और गत्यात्मक लाभों की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दो प्रकार के लाभ होते हैं, व्यापार से स्थैतिक लाभ। तो स्थैतिक लाभों में देखते हैं उत्पादन में विस्तार। पहला, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के लाभों को सुनिश्चित करता है। तो दो चीज़ हो गई, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण और अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को। व्यापारिक देशों में सभी उपलब्ध उत्पादक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन का अधिकतमकरण होता है, और इस अधिकतमकरण न केवल व्यक्तिगत व्यापारिक देशों के लिए होता है बल्कि पूरी दुनिया के लिए होता है, यानी कि पूरी दुनिया में श्रम का विभाजन और विशिष्टीकरण होता है, और उससे बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं।
दूसरा है कल्याण में वृद्धि। तो उत्पादों की बड़ी विश्वव्यापी मांग के कारण स्वदेश और विदेश दोनों में उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि होती है। और ये वृद्धि क्यों हो पाती है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा होता है। और विशिष्टीकरण भी उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की ओर ले जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से बड़ा बाजार भी मिलता है आपको, जिसकी वजह से आपका वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ जाता है। और उससे विशिष्टीकरण के साथ और कंपटीशन के साथ उपभोक्ता वस्तुओं की क्वालिटी में भी सुधार आता है। चूँकि बेहतर किस्मों के सस्ते उपभोक्ता उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लोगों के कल्याण में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। यानी कि रेटे कंपटीशन होने की वजह से कम होती है और क्वालिटी पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है कंपटीशन की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो उस स्थिति में आर्थिक कल्याण में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापारिक देशों में उत्पादन का विस्तार होता है, यानी कि उत्पादन बढ़ता है, अधिक से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर लोगों के उपलब्ध हो जाते हैं। और उत्पादन और रोजगार के विस्तार से व्यापारिक देशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो जो देश व्यापारिक रूप से संगठित होते हैं, व्यापार में तीव्रता से भाग ले रहे हैं, तेज़ी से बढ़ा रहे हैं अपना व्यापार, वो देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनकी राष्ट्रीय आय बहुत तेज है। उदाहरण के लिए जापान है, दक्षिणी कोरिया है, अमेरिका है, बहुत से ऐसे देश हैं जो तेज़ी से व्यापार में इन्वॉल्व हुए हैं और उनकी राष्ट्रीय आय तीव्र गति से बढ़ी है। नेक्स्ट है सरप्लस के लिए वेंट या अतिउत्पादन के निस्तारण या निकास छिद्र। एडम स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश के उत्पादक संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, यानी कि अनुकूलतम उपयोग होने लग जाता है, और इससे माल का अधिदेश बनने लग जाता है, यानी कि देश में अति उत्पादन हो जाता है, जितना उसको चाहिए देश को उससे भी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो जाता है, और इस एक्स्ट्रा उत्पादन को विदेशी बाजारों में खपाना संभव हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उसको दूसरे देश को बेच करके लाभदायक मात्रा में विदेशी मुद्रा या धन संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यापार जो है दोहरा काम करता है, एक तरफ तो आपके अति उत्पादन को निपटाने का काम करता है, उसको निकास करने का, साथ के साथ आपको महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार भी उपलब्ध करवा देता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है, एडम स्मिथ ने बताया है, व्यापार के लाभ में सरप्लस फॉर वेंट फॉर सरप्लस के रूप में ये स्थिर लाभ थे। अब बात करते हैं गत्यात्मक या गतिशील लाभों की व्यापार से। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पहला गतिशील लाभ है तकनीकी विकास, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तकनीकी और वैज्ञानिक आविष्कारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि सभी देशों में जो उत्पादन करता है वो उत्पादन की ऐसी तकनीक विकसित करने का प्रयास कर रहे होते हैं जिसके माध्यम से लागत को न्यूनतम किया जा सके और उत्पादन को अधिकतम किया जा सके। यानी कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करने वाली तकनीकों का विकास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और व्यापार विकसित से कम विकसित देशों तक उन्नत प्रौद्योगिकी या तकनीकी के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि विकसित देशों से कम विकसित देशों की तरफ उन्नत तकनीकें प्रसारित होती हैं। उत्पादन को संगठित करने और उत्पादन के नए तरीके व्यापार के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रसारित होते हैं। यानी कि जो विकसित देशों की प्रक्रियाएं हैं वो विकासशील देशों में या अविकसित देशों में भी अपनाई जाने लगती हैं। नेक्स्ट है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। व्यापार प्रतिस्पर्धा को उत्प्रेरित करता है, बढ़ावा देता है, जो सभी देशों में उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और कम से कम लागत पर सुरक्षित उत्पादन के लिए उत्पादकों को प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा व्यापारिक देशों के सभी उद्योगों की दक्षता को बढ़ावा देती है। तो ये ऐसा है कि जो कंपटीशन होता है वो न केवल एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में बढ़ता है बल्कि उसके आसपास की दूसरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में भी बढ़ता है, यानी कि घरेलू उद्योगों में भी बढ़ता है और निर्यात उद्योगों में भी कंपटीशन बढ़ता है, और उससे लागत कम होती है और गुणवत्ता वस्तुओं की बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप लोगों को कम कीमत पर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वस्तुएँ उपलब्ध होने लग जाती हैं। नेक्स्ट जो गत्यात्मक लाभ है वो है बाजार का विस्तार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके फलस्वरूप बाजार के आकार बढ़ जाता है, यानी कि बहुत सारे देश आपकी वस्तुओं को खरीदने लगते हैं, वो भी आपके बाजार में शामिल हो जाते हैं। यह उत्पादकों को उत्पादन के पैमाने, निवेश की मात्रा और रोजगार का विस्तार करने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। नतीजा क्या मिलता है? व्यापारिक देशों में उत्पादन सीमाओं का लगातार विस्तार किया जा सकता है, यानी कि वो बड़े से बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट है निवेश में वृद्धि। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण घरेलू उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, निवेश के लिए मजबूत प्रोत्साहन होता है। निर्यात क्षेत्र की वृद्धि से कई संबद्ध सहायक उद्योगों का भी विस्तार होता है जो निवेश को अधिक से अधिक अवसर पैदा करते हैं।
तो अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने लग जाता है। तो इससे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो निवेश के अवसर होते हैं वो बढ़ते हैं और उससे तेजी से निवेश न केवल देश में बल्कि विदेशी निवेशकर्ताओं द्वारा भी निवेश किया जाने लगता है। नेक्स्ट है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादक संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। पहले आर्थिक रूप से गैर व्यवहार्य माने जाने वाले संसाधनों का दोहन और उपयोग विदेशी बाजारों में बढ़ती मांग के कारण आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इकोनॉमिकली पहले प्रोड्यूस करना उनको बेनिफिशियल नहीं होता है, लाभदायक नहीं होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से हमारे वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण और हमें वस्तुओं की अच्छी कीमत मिलने के कारण उन वस्तुओं का उपयोग या उन संसाधनों का उपयोग करना भी हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभदायक हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे वेस्ट पड़े हुए रिसोर्सेज थे उनका भी उपयोग करना संभव हो पाता है। लास्ट है विकास को प्रोत्साहन यानी कि आर्थिक विकास की गति देना। निर्यात के लिए उत्पादन और माल के आयात में वृद्धि आर्थिक प्रणाली के भीतर समायोजन की एक श्रृंखला को जन्म देती है जो अंततः व्यापारिक देशों में समग्र विकास पर उत्प्रेरक प्रभाव डालती है। यानी कि कुछ वस्तुएं आयात की जाएंगी, कुछ वस्तुएं निर्यात की जाएंगी, इस बीच में लोगों के बीच में आय का ट्रांजैक्शन होगा और वे अलग अलग वस्तुओं का आयात और निर्यात पर या खर्चे पर ध्यान देंगे और उससे देश में एक नया सिस्टम डेवलप होगा जो कि विकास के रास्ते पर ले जाएगा। व्यापार न केवल निर्यात उद्योगों के विकास को प्रेरित करेगा बल्कि बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देगा। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का या सर्विस सेक्टर है वो भी उसके साथ साथ अच्छी कंडीशन में डेवलप हो जाता है। एल्सवर्थ और क्लार्क लीथ ने इन शब्दों में व्यापार की गतिशीलता के लाभ को व्यक्त किया कि व्यापार एक गतिशील ताकत या बल है, शक्ति है, जो नवाचार को उत्प्रेरित करता है। उत्पादन के नए तरीके और उत्पादन आयोजन व्यापार के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रसारित होते हैं और व्यापार की प्रतिस्पर्धी शक्ति लागत बचत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। व्यापार कई वस्तुओं के संभावित स्थानीय उत्पादन को भी संभव बना देती है जो कि पहले बिना व्यापार की स्थिति में स्थानीय रूप में आर्थिक रूप से उत्पादन करने में लाभदायक नहीं थे। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हमारे को व्यापार से मिलते हैं जो अनेक रूपों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं, लोगों की आय में वृद्धि करते हैं। तो ये हुआ आपका व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों का विवरण। धन्यवाद।